ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, टू सॉप बबल्स हैव रेडिया इन रेशियो 2:3। दो साफ बबल हैं जिसके रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। कंपेयर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल्स, तो बबल्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसका कंपेयर करना है आपको। साथ ही साथ आपको करा आल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दीज सॉफ्ट बबल्स, तो इस सॉफ्ट बबल्स को ब्लोइंग करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये वर्क डन को भी कंपेयर करना है हमें। ठीक, तो चूंकि साफ बबल है तो आपको पता है साफ बबल्स में जो हमें एक्सेस प्रेशर होता है पीस कल टू 4σ/r होता है। चूंकि यहाँ पर साफ बबल है तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा, रेडियस दोनों का अलग अलग है 2:3 है, तो इसलिए रेडियस क्या एक का अगर R1 लेंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डिफरेंस है। तो प्रेशर दोनों साफ है ना, साबुन है ना, साबुन का बबल्स है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका P1 = 4σ/r1, और पहले के लिए, दूसरे के लिए अगर हम निकालते हैं तो P2 = 4σ/r2। हमें कंपेयर करना है एक्सेस प्रेशर को, तो क्या लिख सकते हैं P1/P2 = 4σ/r1 and 4σ/r2, ऐसे लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कंपेरिजन करना है। तो P1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया और इस P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा 4σ/r1 या r2 ऊपर चला जाएगा बाय में 4σ, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब मिलकर हो जाएगा r2 बाय में r1। यहाँ पर जो रेशियो दिया है r2 का ये और r1 का ये, तो क्या बनेगा 3/2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। तो एक्सेस प्रेशर का जो आपका रेशियो होगा क्या होगा 3:2 होगा। बात समझ में आया, कैलकुलेट नहीं आया क्लियर, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलिए कहाँ। वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले का वर्क डन, दो सॉफ्ट है ना भाई, ये आपका सॉफ्ट है जिसका रेडियस सॉफ्ट बबल्स जिसका रेडियस R2 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन बन रहा है इसका रेडियस आपका R1 है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग वर्क निकालेंगे, दोनों को ब्लोइंग करने में, इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा और इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एरिया मतलब क्या, बबल्स है ना भाई, तो 4π इसके लिए क्या हो जाएगा, स्फीयर का रहे तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्फीयर का लगेगा 4π r² की जगह क्या कर देंगे r1²। चूंकि आपको पता है कि सॉफ के बबल्स के अंदर दो लेयर होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, और सरफेस टेंशन क्या होगा सिग्मा ले लेंगे हम, ये होगा W1 हो जाएगा। इसके चलते अगर वर्क डन निकालेंगे W2, तो वही चीज़ होगा क्या 2 लिखेंगे, क्योंकि दो लेयर होता है और सरफेस एरिया 4π r² क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है r2 है, तो हो जाएगा 4π r² × σ। कोई डाउट है अभी तक, हाँ दोनों साफ का बबल्स है ना, दोनों साफ बबल है ना, तो सिग्मा दोनों के लिए क्या करेंगे हम। ठीक, अब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे W1 / क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना वर्क डन को, कंपेयर द वर्क डन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आपका W1 / W2 2π 2 × 4π r1² σ/2 × 4π r2² σ, ऐसा होगा हाँ? Yes, तो ये σ कैंसिल आउट होगा, 4π से 4π चला गया, 2 से 2 चला गया, आपका क्या बच जाएगा r1² /
आर टू स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं आर वन का क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर और थ्री का स्क्वायर, तो रेशियो जो बनेगा फोर रेशियो नाइन। ये वर्क डन का क्या होगा, कंपेरिजन कंप्लीट सोल्यूशन इसका। कोई डाउट तो लिखिए इसे। तो अभी भी आपने देखा कि सपोज दैट कि ये अगर सॉलिड हो तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिस विजिल में रखा गया है, वाटर और ग्लास की बात हम करें तो केस नंबर फर्स्ट इसको ले लेते हैं और सेकंड की चर्चा थोड़ी देर बाद कर लेंगे हम लोग। ये वाटर के मॉल सॉरी ग्लास के मॉलिक्यूल्स है अगर ग्लास में रखा गया है तो, और यहाँ पर सपोज दैट कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, थोड़ा यह हम बड़ा बनाते हैं, ये वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे क्या हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ताकि आपको देखिए पीछे तक इसके इसके बीच फोर्स लगेगा। इस ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। और ये जो मैंने अप टू डाउन बना रखा है ये क्या है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके इसके बीच जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोहेसिव। और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को क्या बोलेंगे, दोनों कोहेसिव होगा, एडहेसिव फोर्स होगा, एक कोहेसिव फोर्स होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सॉरी कोहेसिव, क्योंकि ये भी सॉलिड के ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, ये भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बाद भी क्या हो जाएगा, कोहेसिव, और ये क्या है, कोहेसिव। बात करते हैं इस सॉलिड और इस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की फोर्स, इस सॉलिड इस लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, और इसके नीचे भी अगर कोई मॉलिक्यूल्स लिक्विड कोई क्या होगा ही, क्योंकि पूरा विजिल ही लिक्विड से भरा हुआ है ना सर। तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके इसके बीच और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, उन दोनों फोर्स में सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स कब होगा, वाटर एंड ग्लास के केस में। आपको पता है कि फोर्स ऑफ एडहेसिव इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसिव इन द केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ज़्यादा होगा सिवाय इन मॉलिक्यूल्स के, यानी वाटर वाटर के बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जो है इसको कोहेसिव फोर्स बोलते थे वो कम, और सॉलिड और वाटर के बीच का जो फोर्स है जिसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं वो क्या होगा, ग्रेटर। तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके तो हैं लेकिन चिपकने वाला फोर्स कम, खुद से चिपकने वाला फोर्स कम और सॉलिड से चिपकने वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इस एडहेसिव फोर्स के ज़्यादा होने के चलते मॉलिक्यूल्स किधर अट्रैक्ट होगा, सॉलिड की तरफ, क्योंकि सॉलिड वाला एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है ना भाई, सॉलिड और मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है और लिक्विड के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कम है, तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी किधर होगी, ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स लग रहा है इस तरफ, इधर वाला फोर्स ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। अगर हम दो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, उधर के लड़के खींच रहे हैं, इधर के दो बच्चे, उधर से दो बच्चे, इस साइड का फोर्स जो ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना आपका, जिधर रिजल्टेंट ज़्यादा होगा फोर्स। तो ये दो है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा सॉरी कम और एडहेसिव फोर्स ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल्स किधर खींचेगा, सॉलिड की तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल्स को किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड का है कुछ इस तरह जो बना हुआ है, यहाँ का मॉलिक्यूल्स उठकर इधर आ जाएगा, इस तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इसके पास आएगा, इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स वो भी खींच के आ जाएगा कहाँ, इधर पर, यहाँ का मॉलिक्यूल खींच के आ जाएगा इधर, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इधर की तरफ खींचना स्टार्ट होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स अगर इस तरह खींचता स्टार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो फोर्स हमारा कैसा बनेगा, कुछ से इस तरह का बन जाएगा। समझ में आ रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब किधर की तरफ खींचना शुरू करेंगे। यहाँ पर समझिए, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं,
सब किधर तरफ खींचेंगे? सॉलिड की तरफ। सॉलिड तरफ खींचेंगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल जब खींच के इधर आएगा यहाँ पर तो पहुँच गया यहाँ पर, और इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ आएगा, इसके पीछे वाला मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? यहाँ आएगा। तो जो सेफ बनेगा वाटर का क्या बनेगा? अब ऊपर की तरफ राइज होता हुआ इस तरह निकलेगा, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर एडहेसिव फोर्स क्या है? ज़्यादा है, और कोहेसिव फोर्स कम है, इसलिए सारे मॉलिक्यूल सॉलिड के शेप की तरफ ऊपर की तरफ जो है खींचते जाते हैं, सॉलिड की तरफ खींचते जाते हैं, इसलिए इसका शेप जो हमारा बनता है कुछ कनकेव शेप का बन जाता है। ऐसे ऐसे ना होकर, इस तरह हॉरिजॉन्टल ना होकर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है वो भी खींच कर कहाँ चला जाता है? सॉलिड की तरफ ही। खींच कर कहाँ चला जाता है? सॉलिड की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर मॉलिक्यूल था वो भी खींच कर कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ आते हैं, और इस तरह का शेप इसमें क्या होता है? दोनों तरफ से बन जाता है। क्लियर हुआ? बात हम करते हैं इसमें सेम अपोजिट क्या होता है इस वाले केस में। यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? मरकरी और ग्लास के केस में कौन सा ज़्यादा होगा? कोहेसिव ज़्यादा हो जाएगा। कोहेसिव ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल्स किधर खींचेंगे? इधर तरफ खींचेंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स किधर आ जाएगा? इधर नीचे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा ऊपर जाने के, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ का मॉलिक्यूल्स यहाँ आएगा तो किस तरह फोर्स बने लाइन जाएगा मेरा? कुछ इस तरह जाएगा। यहाँ वाले मॉलिक्यूल से उठकर और उठा जाए ऊपर जाएगा तो लाइन जो बनता जाएगा मेरा कुछ इस तरह बनता जाएगा, इस तरह कर्व बनेगा। और फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इधर नीचे की तरफ, इधर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नीचे की तरफ दबते जाएंगे। ऐसे कुछ शेप हमारा इस तरह का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा। यानी सॉलिड और वाटर के बीच जो फोर्स लग रहा है, एडहेसिव फोर्स वो कम है और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, इस तरफ वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा, और वाटर अपनी तरफ खींचेगा तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जब इधर आएगा तो इसका शेप क्या होता है? कुछ इस तरह कन्वेक्स बन के चला जाता है। समझ में आ रहा है? ये तो ये रीज़न हमारा होता है कि क्यों, अगर हम बात करते हैं मरकरी और ग्लास का तो उसका लेवल कन्वेक्स कनकेव क्यों होता, कन्वेक्स क्यों होता है, और वाटर और इम्प्योर वाटर और ग्लास की बात करते हैं तो कन्वेक्स कनकेव शेप का होता है, ठीक। और अगर हम प्योर वाटर और सिल्वर की बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल होने के चलते उसके बीच क्या होता है, सरफेस मेरा प्लेन होता है, जहाँ पर उसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ बात?